अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सेवन्थ के लेक्चर नंबर 51 के साथ, जिसमें आज हम आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करवाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले मैं आपको बुक से रीड करके बताऊंगी। अ फार्मर कैन प्लग एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स, हाउ मेनी एकर्स विल ही प्लग इन 36 आवर्स। अब वो कहता है कि जो एक फार्मर है वो 40 एकर्स जो है एरिया वो प्लग कर रहा है 16 आवर्स में। तो अब अगर उसके पास 36 आवर्स हों तो वो 36 आवर्स में कितने एकड़ ज़मीन जो है प्लग करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा टाइम में ज़्यादा काम कवर कर सकते हैं। तो अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो काम भी ज़्यादा होगा, तो इट्स मीन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बाकी एज यूजुअल जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करते आए हैं, सबसे पहले आपने एक तरफ लिखना है एरिया जो कि किसमें है एकर्स में, एक तरफ आप लिख सकते हैं टाइम जो आपके पास है आवर्स में। जब 40 एकर्स हैं और टाइम आपके पास अपना है 16, अब टाइम आपके पास 36 और हो चुका है तो कितना एरिया आप कवर करेंगे ये हमने बताना है। एक्स वैल्यू का हमेशा एरो अपवर्ड रहेगा और जो सेकंड वैल्यू है उसका एरो भी इस क्वेश्चन में अपवर्ड ही जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सबसे पहले एरो की टेल वैल्यू और उसके बाद हेड वैल्यू, सेकंड वैल्यू में भी टेल वैल्यू डिवाइडेड बाय हेड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब 16 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो सकता है। अब आप इसकी मजीद कटिंग कर सकते हैं, अगर हम इसको और भी टेबल पर डिवाइड करते हैं तो मैं साथ मेंशन करूंगी कि किस टेबल पे हमें इसको डिवाइड कर रही हूँ। 4 4 16, 4 9 36, 9 × 14 डिवाइडेड बाय 4, अगेन आप इसको 4 पे कर सकते हैं, 4 1 4, 4 10 40, तो 9 × 10 कितने हुए आपके पास 90, तो इट्स मीन 36 आवर्स में वो 90 एकड़ से एरिया जो है वो प्लग कर सकता है। सो ठीक है, होप्स आप इसकी जरूरत किस करेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।